बिहार सरकार का ये विभाग जो है बिहार लोक सेवा आयोग, ये काफ़ी सुर्खियों में है। और हमने देखा कि कल कैसे पटना में इसी कार्यालय के बाहर में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र यहाँ जुटे हुए थे और उसके बाद उन्हें काफ़ी लोगों को चोट भी आई और बहुत लोगों को हिरासत में लिया गया। दिलीप कुमार करके हैं जो कि छात्र नेता हैं, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। और उसके बाद खान सर हैं जो कि काफ़ी बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी माने जाते हैं, उन्हें भी कुछ देर के लिए पुलिस ने डिटेन किया लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों इतना बवाल मचा हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय में, और क्या मुद्दा है जिस पे ये छात्र आक्रोशित हैं, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मामला है नॉर्मलाइजेशन का। बिहार सरकार के इस विभाग के द्वारा बिहार की सारी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिसमें भर्तियाँ होती हैं, और ये जो परीक्षा है जो 13 दिसंबर को परीक्षा होना है, इसमें एक अफवाह उड़ी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाएगा। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन है क्या? नॉर्मलाइजेशन अगर छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो जो परीक्षा है उसे अलग अलग पाली में बिहार लोक सेवा आयोग जो है आयोजित करती है और अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स देती है छात्रों को, और जो छात्र उसके प्रीलिम्स में बैठेंगे वो अगर 4 अलग अलग दिन में बैठेंगे तो 4 अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स उन्हें दिया जाएगा और उसके बाद उसकी एवरेज मार्किंग होगी। अब छात्रों का इसमें कहना है कि क्वेश्चन पेपर अलग अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी प्रबल संभावना है कि कुछ लोगों का क्वेश्चन पेपर जो है वो ज़्यादा टफ हो जाए, कुछ लोगों का जो है क्वेश्चन पेपर वो ईजी हो जाए, आसान हो जाए, तो इससे जो है उनके मूल्यांकन में जो है एक तरह से खामी आएगी, कमी आएगी, जिसके चलते उन्हें एक ही क्वेश्चन पेपर दिया जाए। इस मुद्दे पे जब बीपीएससी से कॉन्टैक्ट किया गया तो बीपीएससी ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की जो बात है वो एक पूरी तरह से अफवाह है, इस बात पर विचार किया गया था लेकिन बाद में जब छात्रों ने इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, तो इसे मना कर दिया गया और अब नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं हो रही है। 13 दिसंबर को ये परीक्षा होना है और ये परीक्षा जो है ये एक ही सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर इसमें दिया जाएगा और उसी के साथ जैसे पहले होता था वैसे होगा, सो नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। लेकिन जो छात्र हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमें बीपीएससी पर इस बात पर भरोसा नहीं है और हमारा मानना है कि बीपीएससी अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर दे सकती है। और इसी बात में सोशल मीडिया में अफवाह उड़ी जिसके बाद बड़ी संख्या में कल जो है यहाँ पर छात्र जमा हो गए, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। खान सर जो शिक्षक भी हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं छात्रों के बीच में, उन्हें कुछ देर के लिए डिटेन किया गया। लेकिन अब 13 दिसंबर को ये परीक्षा होनी है। बीपीएससी का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का, क्योंकि वो भी ये बात समझते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं खामी हो सकती है। और वही छात्र इस बात पर आक्रोशित हैं कि किसी भी हालत में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था को इम्प्लीमेंट ना किया जाए। इनके जो छात्र नेता थे जो कल इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ और लोगों भी लोग जो हैं वो नामजद अभियुक्त हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV।